सो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और आप लोग देख रहे हैं आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी पकौड़े। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक डोंगे में बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने नमक मिर्च मसाले जो भी होते हैं वो सारे मिक्स कर लिए हैं। और अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल और अब मैं चम्मच की मदद से यहाँ पे पकोड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से पकोड़े डालना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं चम्मच की हेल्प से पकोड़े बना रही हूँ। तो गाइस, जब तक मेरे पकोड़े यहाँ पे अच्छे से बनते हैं तब तक मैं यहाँ पे जो कड़ी की तैयारी है उसे भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पतीले में लस्सी डाल दी है और अब लस्सी में मैंने थोड़ा सा बेसन डाला हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने गर्म पाउडर और साथ ही साथ जो ये किचन किंग मसाला होता है तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अपने हाथों की मदद से, अपने फिंगर्स की मदद से मिला लूँगी, क्योंकि अगर हम करछी की मदद से इसे मिलाते तो इसमें थोड़ा थोड़ा दाने से रह जाते हैं, इसीलिए मैं हाथ की मदद से इन बेसन को इसमें अच्छे से घोल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बेसन लस्सी में अच्छे से घुल चुका है और यहाँ पर जो मैंने पकौड़े रखे थे वो भी पक चुके हैं, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पकौड़े जल गए थे क्योंकि मैं लस्सी में बेसन घोलने में लग गई तो ध्यान मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा जल गए, लेकिन कोई बात नहीं, कड़ी में ये पकौड़े भी टेस्ट आता है इसीलिए ये चल जाएगा कड़ी में। और अब गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने ये पकौड़े बनाए थे कड़ी के लिए, उन पकौड़ों को मैं निकाल लूँगी और मैंने तेल कम कर लिया है। अब मैं इस तेल में डाल रही हूँ थोड़े से मेथी दाने और आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हाथ में है, इसे फरन बोलते हैं, ये हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा मिलता है और इसको अगर हम कड़ी में डालें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैं इसे कड़ी में डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे साइड से फरन के नाम से जाना जाता है, तो इसको कड़ी में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने इसे भी तेल में डाल दिया है। तो गाइज अब मैं जो लस्सी है उसे इस तेल में डाल दूंगी और हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब भी हम लस्सी को तेल में डालते हैं तो हमें उसे 5-10 मिनट तक घुमाना होता है, क्योंकि अगर हम उसे घुमाएंगे नहीं तो जो हमारी लस्सी होती है वो फट जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने तेल में लस्सी डाल दी है और जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो मैं बोलती फरन जो उत्तराखंड में मिलता है वो इसके ऊपर ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसको कड़ी में डाल के। गाइस अगर हम इससे तड़का लगाते हैं कड़ी का तो कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। मैं कुछ देर के लिए इसे घुमाऊंगी, 5-10 मिनट इसे अच्छे से घुमाऊंगी, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी तलने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं आलू कट कर रही हूँ, आलू को छील रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं कड़ी के अलावा पालक और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो पालक मैंने ऑलरेडी उबाल दिया था, तो अभी मैं यहाँ पर आलू को कट करूँगी छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे गाइस मैंने रख ली है सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तो तेल में मैंने डाला है गाइस जीरा और 2 साबुत मिर्च। साबुत मिर्च मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे साबुत मिर्च का छौंक कढ़ी में लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं साबुत मिर्च को निकाल के कढ़ी में डाल रही हूँ और हमारी कढ़ी भी अच्छे से उबल चुकी है। कुछ जो जीरा है उसे भी मैं थोड़ा निकाल के कड़ी में डाल दूंगी ताकि हमारे कड़ी का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए।
और अब गाइस सब्जी बनाने के लिए मैंने जो आलू कट किए थे उसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर हम किसी भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ आलू मिक्स करते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल तो हमारी पक जाती है, लेकिन जो आलू होता है वो नहीं पक पाता है, उसमें टाइम लगता है। तो पहले मैं आलू यहाँ पर डाल रही हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पालक उबाला हुआ है तो पालक को पकने में हमें टाइम तो लगेगा नहीं, आलू को भी पकने में टाइम लगेगा। तो आलू को पकाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने जब तक मेरे आलू पक रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे टमाटर रख लिए हैं, टमाटर को मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और अब आप लोग देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं, और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को भी अच्छे से इसमें गला लूँगी यानी कि पका लूँगी। तो अब मैंने इस टमाटर के ऊपर फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैं अभी इसमें मसाले पूरे नहीं डालूँगी, बस नमक और हल्दी डालूँगी, इससे क्या होता है जो हमारे आलू और टमाटर होते हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। अब गाइस जो मैंने उबाले हुआ जो मेरा पालक था उसे मैं इसमें डाल दूंगी, और मैंने इसमें पालक डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी कड़ी भी देख रही हूँ कि कड़ी हुई या नहीं हुई। और अब मैंने जो मेरे ये सब्जी थी इसमें मैंने मसाले मिला लिए हैं कुछ कुछ। आप लोग देख सकते हैं हमारी कड़ी बन चुकी है, मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए थे, उसकी क्लिप पता नहीं शूट नहीं हो पाई, कैमरा तो मैंने रखा था बट वो शूट नहीं हो पाई, तो मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं। और हमारी कड़ी अच्छे से पक चुकी है, अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी हरा धनिया, और हमारी कड़ी आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी बन चुकी है। साथ ही साथ गाइस आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पालक और आलू की सब्जी बनाई थी वो भी बिल्कुल पक चुकी है और बहुत अच्छी लग रही है। आई होप कि आप लोग भी इसी तरीके से कड़ी और पालक आलू की सब्जी बनाते होंगे। अगर आप आई होप गाइस आप लोग भी इसी तरीके से पालक और आलू की सब्जी बनाते होंगे। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस आज है मंडे और अभी जो टाइम हो रहा है दोपहर की 1 बजी है, और अभी मैं अपनी वीडियो शूट और अभी मैंने अपना व्लॉग वीडियो स्टार्ट किया है गाइस। सो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को रेसिपी दिखा देती हूँ जो मैंने लंच में बनाई हुई है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप लोगों को भी पसंद आया होगा जिस तरीके से मैंने कड़ी बनाई है, जिस तरीके से मैंने पालक आलू की सब्जी बनाई है। आई जस्ट होप आप सभी लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे, बट मैंने सोचा चलो बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, हम इसी तरीके से बनाते हैं, आप लोग भी अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो बढ़िया बात है, अगर इसे डिफरेंट तरीके से बताते हैं तो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। सो गाइज मैंने अपनी वीडियो तो स्टार्ट कर ली है, काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी यानी कि व्लॉग नहीं बना रही थी, और काफी दिनों से मेरा व्लॉग पड़ा भी था जिसको मैंने 2-4 दिन पहले अपलोड किया है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो शूट करूं। और वैसे भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को क्या दिखाऊं, पूरा दिन तो घर में ही रहती हूँ, आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में क्या है 21 दिन तक घर में ही बैठे रहना है और क्या दिखाऊं, पूरा दिन वही है झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े, तो मुझे थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा है ये दिखाना, क्योंकि डेली वही दिखाती हूं तो मैं सोचती हूं शायद आप लोग बोर हो जाओ, आप लोग सोचेंगे पता नहीं डेली वही दिखाती रहती है, तो इसीलिए कभी कभी मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं करती हूं, नहीं बनाती हूं। सो आज मैंने सोचा चलो बना लेती हूं, काफी दिन हो गए। तो गाइस बताइए आप लोग कैसे हो आप सभी लोग, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते भी नहीं हो कि मैंने किस तरीके मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, आप कोई भी मुझे कमेंट्स में नहीं बता रहा है ऐसा।
और आप लोग मुझे कोई भी कमेंट में नहीं बता रहा है, ऐसा क्यों? आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है क्या? अरे यार, पसंद आती हैं, व्यूज तो मेरे आते हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं आते। कमेंट्स कर लिया करो, मुझे भी तो पता लगे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो गाइज, बस अभी मैं अपना लंच बना के आई हूँ। लंच हम करेंगे 2 या 3 बजे के आसपास, हमारा लंच इसी टाइम पे होता है। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, आज सैंडविच बनाए थे हमने। सैंडविच किस तरीके से मैंने बनाई थी उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊंगी तो जरूर शूट करूंगी, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और साथ में गाइज, अभी मैं कड़ी बना रही थी, आप लोगों ने देखा ना, मैं उसमें मतलब जो लाल मिर्च होता है उसका छोंक में डाला था ना मैंने तेल में, तो उसको मैं उस कड़ी में डाली थी। तो वही एक लाल मिर्च डाली मैंने, एकदम से उसका जो छीटा होता है ना वो तेल का, वो मेरे यहाँ पे आ गया। देखिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा लाल सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आ गया तो वो थोड़ा सा जल गया। और मैंने बर्फ भी लगा ली, फिर भी थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा है। इसीलिए यार, किचन में जब जाते हैं ना थोड़ा दूर रहना चाहिए, मतलब खाना बनाते हैं तो थोड़े अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, बट कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो एनीवे गाइस, चलो टाइम मैंने आप लोगों को बहुत ले लिया है, देखती हूँ आगे इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद, ओके। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी जस्ट अपने हेयर वॉश करके आई हूँ। जस्ट अभी मैंने अपना लंच किया, और हेयर वॉश मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे कल लगाना है अपने बालों पे मेहंदी, और मेरे बाल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब। सो जस्ट अभी मैंने अपने बाल वॉश किए हैं। अभी जो दोपहर का टाइम है वो है 2:30, और यहाँ पर इतनी तेज़ धूप है, मतलब कल परसों तक मौसम सही था, लेकिन आज कल बाहर आना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, इतनी गर्मी हो रही है। पसीना देख सकते हैं आप लोग मेरे पे। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कुछ, मैंने ना यहाँ पे प्लांट लगाए थे, मैंने आपको दिखाया था ना, ये प्लांट्स लगाए मैंने। तो ये प्लांट में मैंने मॉर्निंग में पानी डाला था, लेकिन अभी आप लगा सकते हैं, मॉर्निंग में मैंने पानी डाला था और अभी ये सारे सूख गए हैं, तो मैं इनमें दोबारा से पानी दूंगी इनको। तो ये देखिए आप लोग, इनमें मैंने मॉर्निंग में इनको पानी दिया था, लेकिन ये सारे सूख गए हैं, तो मैं दोबारा से इनको पानी दूंगी। क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को पानी देना, नहीं तो सारे सूख जाते हैं। और आपको कुछ वॉल्यूम भी आ रही होगी, इसकी आती है, ये मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, देखिए आप लोग, हवा चलती है ना तो इसकी बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो मैं भी पहले अपने पेड़ पौधों में पानी दे दूँगी। मनी प्लांट भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत तेज धूप हो रही है, हवा भी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं हवा भी चल रही है और धूप बहुत तेज है, बाहर पाँव नहीं रखा जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। देखिए हवा के साथ साथ धूप भी तेज है। और आप में से मुझे 2-4 लोगों ने पूछा था कि आपके ये गेट पे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये अंगूर की बेल है हमारे गेट पे। अभी पिछले ही महीने, मतलब अभी ये नवंबर या दिसंबर में हमने ये बेल लगाई थी, और अभी अच्छी सी हुई है, देखते हैं इसे फल आता है तो। और आजकल वैसे भी हरियाली काफ़ी छाई हुई है, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ काफ़ी अच्छी हरियाली छाई हुई है। आप लोग सोचेंगे गर्मी इतनी हो रही है और मैं बाहर पे खड़ी क्यों हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे शरीर में विटामिन डी की थोड़ा कमी है, तो इसलिए मैं थोड़ा धूप ले रही हूँ। अभी तो मैं फ्रंट से ऐसे ले रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे लूँगी पीठ की ओर, ज़रूरी है धूप लेना भी, क्योंकि अभी तो हम धूप में थोड़ा बहुत खड़ा रह सकते हैं, उतनी वाली भयंकर वाली गर्मी नहीं है, लेकिन अगले महीने से, लेकिन ये अब जो मई महीना आएगा उस टाइम से तो बाहर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस थोड़ा देर रुकती हूँ, बाल भी सूख जाएंगे, फिर चलती हूँ अंदर।
तो गाइज ये है मेरी वीडियो नेक्स्ट डे की, और आज मैं बनाने वाली हूँ उत्पम, यानी कि सूजी का उत्पम। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी में सूजी ले लिया है, एक कटोरी मैंने दही ले लिया है, प्याज कट कर लिए हैं, टमाटर कट कर लिए हैं और हरा धनिया कट कर लिया है। तो सबसे पहले गाइज हमें एक डोंगा लेना होता है, उसमें जो मैंने एक कटोरी सूजी ली है उसे मैं इसमें डाल दूंगी। एक कटोरी सूजी मुझे लगा कि कम है तो मैंने थोड़ी सी सूजी और ले ली अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, और उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो मैंने एक कटोरी दही ली थी गाइज उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी, और फिर मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी भी लिया हुआ है, और मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे लगे कि हाँ जितना मुझे इस पेस्ट को बनाना है उस तरीके से मैं इसमें पानी ऐड करती रहूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक गिलास पानी लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें आधा से ज़्यादा गिलास पानी डाल दिया है। अब जाके जो मेरा ये पेस्ट है ये थिक हो चुका है, और मैं अब इसे कुछ देर के लिए यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो गाइस 10 से 15 मिनट हो चुके थे हमारी सूजी को, आप लोग देख सकते हैं ये फूल चुकी है अच्छे से। अब मैं बनाने वाली हूँ सूजी का उत्पम। तो सबसे पहले मैं इस पेस्ट में मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने मिला लिए हैं 2 चम्मच नमक, मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मिलाया है जो हमारे घर का टेस्ट है। आधा चम्मच मैंने इसमें मिला ली है लाल मिर्च पाउडर, और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो हमारी मिर्च और नमक है वो इस पेस्ट में अच्छे से चले जाए। तो गाइस अभी मैंने रख लिया है पैन अपने गैस पे, और मैं देख रही हूँ ये गर्म हुआ या नहीं हुआ। अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा तेल। मे बी गाइज आप लोगों को लग सकता है कि वीडियो साइड से शूट हो रही है, क्योंकि मैं खुद ही कर रही थी वीडियो शूट, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बनाना भी दिखाना भी, तो इसीलिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इस चीज़ को आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पैन में डाल रही हूँ तेल, और अब मैं डालूँगी इसमें जो मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ है इसको मैं अब डाल दूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे प्याज और कटा हुआ टमाटर, और साथ ही साथ जो हमारा धनिया है उसे भी। लेकिन गाइज इसमें एक दिक्कत हो गई थी जब मैंने ये बनाया था, तो जब मैं इसे पलटा रही थी तो इसका जो प्याज टमाटर और ये धनिया था ये निकल गया था, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक से चॉप नहीं हो पाया, थोड़ा मोटे मोटे मैंने इसको चॉप किया था। तो इसे बनाने में थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ये ख़राब हो गया है। फिर मैंने, आप लोग देखिए आगे आपको खुद दिख जाएगा, तो देख सकते हैं आप लोग ये हल्का सा इसका जो मसाला है वो बाहर निकल गया है। तो इसके बाद मैंने, तो गाइज इसके बाद मुझे लगा कि नहीं कि ये हमारा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने जितने भी मसाले कट किए, तो मैंने जितने भी चीज़ें कट की थी प्याज टमाटर धनिया उसे मैंने इस पेस्ट में अच्छे से मिला लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे ऐसे बनाऊंगी। फिर से मैंने तेल रख लिया है, और मैं फिर पैन में इसे डालूंगी, और आप लोग देख सकते हैं अभी जो मैंने इसे बनाया ये बहुत ही अच्छा बना है, इसमें टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए आप लोग, हमारा जो उत्पम है रेडी हो चुका है। चैनल कैसे हो आप सभी लोग, आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज आज है ट्यूसडे, तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में दो दो रेसिपी शेयर की हैं, यानी कि किस तरीके से मैंने कड़ी और पालक आलू की सब्जी बनाई, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ये भी दिखाया कि किस तरीके से आप लोग घर बैठे उत्पम बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। सो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी दोनों रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोग भी इसी तरीके से एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छे से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप लोग भी अपने घर पे इन्हें ट्राई जरूर करें। सो गाइस चलिए, ये वीडियो मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज इस वीडियो को एंड कर लूँ, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है और मैं नहीं चाहती हूँ वीडियो ज्यादा लंबी हो, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ और यहीं पे इस वीडियो को खत्म करती हूँ। सो गाइज आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी आज की ये व्लॉग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज मैं लगाती हूँ अपने बालों पर मेहंदी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने
जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था मुझे बालों पर मेहंदी लगाना है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने कॉम करके रख दिए अपने बाल, अब मैं बालों पर मेहंदी लगाने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।